यवतमाल जिले के दिग्रह शहर में पालिका की ओपन स्पेस पर कब्जा जमाने वालों का कच्चा चीटा सोमवार को एनबीसी न्यूज चैनल ने एक खबर के जरिए उजागर किया था। पालिका की खुली जगहों पर अवैध रूप से कब्जा जमा कर उस जगह को व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल करने वालों को प्रशासन ने संबंधित जगह को तत्काल रूप से खाली कराने की सूचना सख्ती से जारी की थी। गौरतलब है कि सूरजनगर में पालिका की जगह पर पालिका प्रशासन को विश्वास में लिए बगैर निजी तौर पर फिजियोथेरेपी अस्पताल चल रहा था। इस बारे में एनबीसी की खबर के बाद मंगलवार को फिजियोथेरेपी अस्पताल का शटर डाउन किया गया। फिलहाल फिजियोथेरेपी अस्पताल बंद किया गया है। सूत्रों ने बताया कि जिस सामाजिक संस्था के तहत यह दवाखाना चलाया जा रहा था, उस संस्था के पदाधिकारियों ने इस खबर के प्रकाशित होने के बाद मंगलवार को इस बाबत पालिका मुख्याधिकारी माधुरी मडावी को ज्ञापन सौंपकर अपना पक्ष रखा और संबंधित दवाखाने को बंद करने की बात कही है। मालूम हो कि शहर में इसी तरह से पालिका की ओपन स्पेस की जमीनों पर कई लोग कब्जा जमाए बैठे हैं। बीते कई सालों से अंधाधुंध तरीके से पालिका की खुली पड़ी जमीनों को इस्तेमाल कर व्यावसायिक लाभ उठाया जा रहा है। आने वाले दिनों में संबंधित ओपन स्पेस पर कब्जा जमाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसी जानकारी पालिका के विश्वसनीय सूत्रों ने दी है। एनबीसी न्यूज के लिए दिग्रह से जुबैर खान की रिपोर्ट।